हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ साइंस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आप स्वस्थ होंगे। और आप जो भी आप अपनी लाइफ में पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप कोई और जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप बहुत ही बढ़िया अपनी लाइफ में कर रहे होंगे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से केमिकल काइनेटिक्स की एक लेक्चर सीरीज अपने यूट्यूब चैनल पर चल रही है, और उस लेक्चर सीरीज के अब तक 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज मैं आपके सामने, और आप मुझसे जुड़ चुके हैं, और आपके सामने मैं दीपक पूनिया लेके आ रहा हूं इस सीरीज का लेक्चर नंबर 6। तो सबसे पहले, शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब तक जो 5 लेक्चर हुए हैं, उन 5 लेक्चर में काइनेटिक्स की कौन कौन सी बातें हम कवर कर चुके हैं। तो पहले तो आपको ये बता दूं कि थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के बाद, आप में से जिन स्टूडेंट्स ने वो टॉपिक अब तक नहीं पढ़े हैं, जरूरी नहीं कि मतलब इसी लेक्चर सीरीज में पढ़े हों, अगर आपने इसके अलावा कहीं नहीं पढ़े हैं तो फिर आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करके वो लेक्चर जरूर देखें, जरूर समझें, जिससे कि आपको ये चैप्टर और अच्छे से और कमाल तरीके से आपको समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सीरीज में जो हमने लेक्चर 1 कवर किया था, तो सबसे पहले इस लेक्चर सीरीज में जो हमने लेक्चर 1 हमने कवर किया था, उसमें बेसिक सा ये इंट्रोडक्शन था कि केमिकल काइनेटिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, मतलब वो कौन कौन से हमारे नीड्स थी, वो कौन कौन से हमारी जरूरत थी जिनको पूरा करने के लिए हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं, या फिर बाकी वो चीजें, बाकी चैप्टर्स क्यों नहीं समझा पाए। ठीक है, फिर हमने लेक्चर 2 में यहाँ पर बात की कि किसी केमिकल रिएक्शन को पढ़ने के लिए हमें बात करनी होती है उसकी रेट के बारे में, तो रेट कैसे लिखते हैं, रेट के एक्सप्रेशंस कैसे लिखते हैं, ये हमने सीखे लेक्चर 2 में। थर्ड लेक्चर में हमने थोड़ा सा ये सीखा था कि व्हाट आर द एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। लेक्चर 4 में जैसे ही हम आए, तो वहां पर हमने थोड़ा सा ऑर्डर, मोलिकुलरिटी और एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स के बारे में और डिटेल में जाना, और लेक्चर 5 में फाइनली हमने शुरू कर दिया था जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स से चैप्टर पढ़ना। हमने पढ़ा था जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इन 5 लेक्चर में से अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आपको आता है, अगर आपने नहीं सीखा है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके गिवन लिंक्स पे क्लिक करके जो भी आपको पोर्शन नहीं आता वो जरूर यहां से देखें, जिससे कि आगे आने वाला चैप्टर आपको और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए, बिना टाइम आपका ज्यादा वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 6, और वो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में। तो आपको मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूं कि इस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, और कैसे ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कौन से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चाहे आप कोई 12th लेवल एग्जाम ले लो, चाहे आप किसी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम ले लीजिए, चाहे आप कोई एमएससी लेवल का कोई एग्जाम ले लीजिए, इन सारे के सारे एग्जाम्स में इस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से बहुत सवाल आज तक पूछे गए हैं। ठीक है, और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको इस बात से आप आइडिया लगा सकते हो कि ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है। कैसे होता है बड़ा टॉपिक? इस टॉपिक को मैं डिवाइड कर रहा हूं 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की कुछ बेसिक सी बातें, जैसे कि कैसे इसका हम रेट लो लिखेंगे, इसकी जो रेट होती है वो कंसंट्रेशन के साथ कैसे डिपेंड करती है, ये चीजें हम पढ़ेंगे। सेकंड, जो आप जानते हैं हम इसके लिए पढ़ने वाले हैं यहाँ पर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। थर्ड पोर्शन में हम पढ़ेंगे इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, और फोर्थ जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट बचता है केमिकल काइनेटिक्स का, जिसको हम कुछ ग्राफ्स हमें यहाँ पर पढ़ने होते हैं। तो इसका जो पहला पोर्शन है, इसमें हम 4 टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अब बात करते हैं इसके सेकंड पोर्शन की, और सेकंड पोर्शन वो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आपको नाम से ही पता चल जाएगा, इसमें हम वो सारे की सारी बातें पढ़ने वाले हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो टाइम से रिलेटेड हो, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में ये टाइम वाली बात आपको बहुत परेशान करने वाली है। पता नहीं कितने टाइप के तो टाइम इसमें पूछता है, कई बार कुछ TX% पूछ लेता है, कई बार T1/N पूछ लेता है, कई बार उसका T एवरेज की चर्चा कर लेता है, लाइफ टाइम, हाफ लाइफ, बहुत सारे सवाल इससे बनते हैं। ठीक है, तो
तो ये एक इसको हम एक सेपरेट पोर्शन बना के पढ़ने वाले हैं यहाँ पर विद एग्जांपल्स, ऐसे ऐसे एग्जांपल्स जिसको आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक पूरे डेप्थ में पूरे डिटेल में आप इसके हर एक सवाल कर सकते हो, वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। समझ में आया? अब हम बढ़ रहे हैं इसके थर्ड पोर्शन की तरफ और उसमें हम पढ़ने वाले हैं इसका कुछ मिसलेनियस पोर्शन। पहली बात तो आपको मैंने बता दूं कि इसको मैं मिसलेनियस पोर्शन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप थोड़ा बहुत जानते होंगे इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं इसके मॉडिफाइड रेट एक्सप्रेशंस के बारे में, हम बात करने वाले हैं इसकी मॉडिफाइड इंटीग्रेटेड रेट लॉज के बारे में, और बात करने वाले हैं आप ऐसे कह सकते हो कि कुछ जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो एप्लीकेशंस वाला पोर्शन हम इस मिसलेनियस में कवर करने वाले हैं और वो इसका थर्ड पार्ट है। तो आपको मैं बता दूं कि इस बेहतरीन चैप्टर को, इस शानदार से कॉन्सेप्ट को मैं तीन अलग अलग वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसमें से ये सब हम कवर करने वाले हैं इसके एपिसोड 1 में, ये सब हम कवर करने वाले हैं इसके एपिसोड 2 में, और दोस्तों ये सब हम कवर करने वाले हैं इसके एपिसोड 3 में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के टोटल तीन वीडियोस आपके सामने आएंगे, एपिसोड 1, एपिसोड 2 एंड एपिसोड 3। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम एपिसोड 1 से। ठीक है, और वही हमें एक एग्जांपल लेके, मान लीजिए कि कोई एक रिएक्टेंट ए है वो कन्वर्ट हो रहा है बी में, और ये बात एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 1 है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जाहिर सी बात है अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आप जानते हैं कि इसका जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर टाइम इनवर्स होगी, और मैं आपको बता चुका हूँ ये जो टाइम इनवर्स है यहाँ पर इसकी जो के की यूनिट है वो सेकेंड इनवर्स भी हो सकती है, वो कुछ ही केस में मिनट इनवर्स भी आप ले सकते हो, जरूरत पड़ने पर आप इसको आर इनवर्स, डे इनवर्स, ईयर इनवर्स, जिस भी टाइम पीरियड की आपसे बात कर रहा है उसको आप उसमें ले सकते हो, लेकिन अब तक आपको ये जानना है कि इसकी यूनिट क्या होती है रेट कांस्टेंट के टाइम इनवर्स। क्लियर है? मान लीजिए कि टी इज इक्वल टू 0 पर जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी, अभी हमने कंटेनर में रिएक्टेंट लिया ही है सिर्फ, उस वक्त इस ए की जो कंसेंट्रेशन है वो मान लीजिए ए नोट है, और आपको पता है अगर मान लो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो उस टाइम पर बी की जो अमाउंट है वो अमाउंट कितनी रही होगी 0। कुछ टाइम बाद मान लेते हैं कि ए नोट में से एक्स डिसोसिएट हुआ होगा और ये कितना बन गया होगा एक्स, तो यहाँ पर जो एक्स है इसको मैं बोल देता हूँ हियर एक्स विल बी नोन एज अमाउंट ऑफ ए डिसोसिएटेड, अमाउंट ऑफ ए डिसोसिएटेड एट टाइम टी, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इट इज इक्वल टू चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए इन टाइम इंटरवल टी। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम लिखते हैं इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो आप सब जानते हैं कि अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसकी जो रेट है आर, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू पावर 1। जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन यहां से हटाएंगे तो यहां पर बन जाएगा k इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए, तो ये बन जाएगा इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट लो। चलिए इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब अगर आप इस रिएक्शन के लिए ऐसे लिखेंगे कि रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए अपॉन इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो आपने देखा था अपनी जो रिएक्शन थी वो क्या थी, ए से क्या बन रहा है, सिंपली बी बन रहा है, तो बताओ बच्चों इसका जो कोफिशिएंट है यहां पर कितना 1, तो डिवाइड किससे कर देंगे 1 से, इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस, किसका अपीयरेंस बी का, उसका कोफिशिएंट भी कितना है 1, तो डिवाइड किससे कर देंगे 1 से, और इक्वेशन 1 से आप कह रहे हो कि यही जो रेट है जिसकी आप बात कर रहे हैं इक्वल है किसके, ये इक्वल है के इंटू ए के, तो यहां से एक इक्वेशन बन के आएगी आर इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड दिस इज इक्वेशन 2। क्लियर है? अब जैसा कि मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सिखाया था, अब हम बात करते हैं यहां से डिफरेंशियल रेट लॉ के बारे में। तो अगर आप बात करेंगे कि कैसे हमने डिफरेंशियल रेट लॉ इसका बताना है, तो मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी सिखाया था, क्या मैंने आपको बताया था
कि इनमें से चाहे आप ये वाले टर्म ले लो, चाहे आप ये वाले टर्म ले लो, या फिर आप इसके साथ ये वाले टर्म ले लो, या तो आप इन दोनों को या आप इन दोनों को किसी को भी लेके आप रेट डिफरेंशियल रेट लो यहां से बता सकते हैं। चलिए मैं यहां पर ले रहा हूं माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, किसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो आप देख रहे हैं यहां पर मुझे ए की कंसेंट्रेशन पुट करनी है, वो भी टाइम टी पर, और यहां भी मुझे पुट करनी है कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। अब कितनी है टाइम टी पर कंसेंट्रेशन, तो आपको मैंने बताया था, याद करो कि जब भी आपसे किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी की कंसेंट्रेशन पूछे तो हम फिर से वहीं जाते हैं जहां से हमने सवाल शुरू किया हुआ होता है। तो कहां जाएंगे, देखिए ये रहा, देखिए ए की कंसेंट्रेशन टाइम टी पर कितनी है, ए नॉट माइनस एक्स, और बी की कितनी है टाइम टी पर एक्स, लेकिन इसमें हमें चाहिए किसकी, बोलो ए की, तो कितनी है, बोला यहां पर ए नॉट माइनस एक्स। तो चलिए यहां पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस डी बाई डी टी, हियर ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट के इंटू ए नॉट माइनस एक्स। जब आप इस ए नॉट का डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आप जानते हैं कि ए नॉट यहां पर एक कॉन्स्टेंट है, और किसी कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो। साथ ही साथ जो माइनस और माइनस और क्या बन जाएंगे, प्लस, तो यहां बन जाएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए नॉट माइनस एक्स, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, या डिफरेंशियल रेट लो, या डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोल दो इसको, ठीक है। ये जो इक्वेशन आप दिखाई दे रही है आपको, या जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें मैंने आपको बताया था जो एक्स है ना, एक्स उसको आप ऐसे बोल सकते हो चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए बोल सकते हैं, इसको आप ऐसे कह सकते हो चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आप इसको कह सकते हो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। जब आप उसी प्रोग्रेस की रेट निकालते हो टाइम के रेस्पेक्ट में, और यहां पर इक्वल आता है के इंटू ए नॉट माइनस एक्स के, तो ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, इसी एक्सप्रेशन को हम कहते हैं क्या, डिफरेंशियल रेट लो, क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे वही अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन, dx by dt is equal to k into a naught minus x। तो इसमें हम करेंगे वेरिएबल सेपरेशन, जो मैं वर्ड बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना, कुछ अगर बायो के स्टूडेंट्स हैं तो समझना इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से। वेरिएबल सेपरेशन मैथ्स में वो टेक्निक होती है जिसमें एक जैसे वेरिएबल को हम इक्वेशन के एक साइड बना लेते हैं। कैसे, आप देख रहे हैं यहाँ पर x भी वेरिएबल है, यहाँ पर टाइम भी वेरिएबल है, बाकी k कॉन्स्टेंट है, a नॉट भी कॉन्स्टेंट है, x लेफ्ट हैंड साइड में भी है और x राइट हैंड साइड में भी है। तो हम क्या करेंगे कि x को लिख लेंगे dx अपॉन a नॉट माइनस x, इससे क्या हुआ कि x लेफ्ट हैंड साइड आ गया, और इज इक्वल टू t को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड। इस टेक्निक को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेशन। और अब हम कर देंगे इसको इंटीग्रेट, क्योंकि आप नाम यहां पर देख रहे हैं, हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। आपको मैंने बताया था कि अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो लिमिट भी किसकी पुट करते हैं, एक्स की। अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो लिमिट भी यहां किसकी पुट करेंगे, टाइम की। तो आप ही बताइए कि जब टाइम जीरो था तब एक्स की वैल्यू कितनी थी, तो बताइए टी इज इक्वल टू जीरो पर एक्स में कोई चेंज हुआ था क्या, नहीं हुआ था। क्या एक्स है वो, क्या ए है वो जरा सा भी टूट के बी में कन्वर्ट हुआ क्या, नहीं हुआ था। मतलब टी इज इक्वल टू जीरो पर एक्स कितना है, जीरो, और टाइम टी पर ये कितना हो जाएगा, एक्स। तो लिमिट क्या होगी, देखिए तो टाइम जीरो पर ये जीरो, जब टाइम टी हुआ तो ये कितना बन जाएगा, एक्स। अब dx अपॉन a नॉट माइनस x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln a नॉट माइनस x, और यहां आता है बाहर माइनस साइन, और इसकी जो लिमिट है वो कहां से कहां तक, जीरो से लेकर x तक, इज इक्वल टू k इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t। लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से लेकर t तक। चलिए लिमिट पुट कर देते हैं, तो लिमिट पुट करने पर पहले हम पुट करेंगे यहां पे x, तो बन जाएगा ln a नॉट माइनस x, ठीक है, साइन किसका है, माइनस का।
फिर अगली लिमिट के लिए फिर से माइनस आएगा, और एक माइनस यहाँ पे पहले से है तो कितना देगा माइनस, यहाँ पर एक्स कितना पुट कर देंगे, लोअर लिमिट कितनी पुट करेंगे जीरो, यहाँ पर आ जाएगा ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी जीरो। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर सोल्व करके बता रहा हूँ, यहाँ पर इस चीज को आप देख रहे हैं यहाँ आएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बना, ये बना एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए नॉट माइनस एक्स। और मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है कि एल एन ए माइनस एल एन बी बराबर होता है एल एन ए अपॉन बी, तो यहाँ ये बन जाएगा एल एन ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, क्लियर है। तो यही इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरीके से। तो अपनी फाइनल इक्वेशन यहां पर ये बनेगी क्या, k इंटू टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, kt इज इक्वल टू एल एन, आप जानते हैं कि ए नॉट क्या है, यहां पर ए नॉट है a की इनिशियल कंसेंट्रेशन, तो ये ए नॉट आ गया। ये ए नॉट माइनस एक्स क्या है, इसको आप कह सकते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t। अरे देखो यहां इस a की t टाइम पर कंसेंट्रेशन कितनी है, a नॉट माइनस एक्स, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि कंसेंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a नॉट माइनस एक्स। तो इसी को मैं पुट कर रहा हूं a t के इक्वल। तो चाहे आप इसको इस फॉर्म में लिख लो, चाहे आप इसको इस फॉर्म में लिख लो, ये दोनों की दोनों क्या होती हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है। अच्छा अब इसको एक काम करते हैं, इसमें से जनरली जो न्यूमेरिकल्स में हम यूज लेते हैं वो कौन सी फॉर्म लेते हैं, तो न्यूमेरिकल्स में आप ये वाली काम में ले लो, ये ले लो, दोनों एक ही बात है। लेकिन इनके अलावा एक फॉर्म और होती है जिसका अपना खुद का अपना नाम होता है, जो खुद अपने नाम से जानी जाती है, एक बार इसकी वो फॉर्म भी समझ लेते हैं, कैसे जरा समझते हैं। एक आप एक बात बताइए, आपने सुना होगा जब भी हमें कहीं पर लॉग को हटाना हो, लॉग या एलन को कहीं पे हटाना है। अच्छा ठीक है, पहले तो आपको ये बता दूं ये एलन और लॉग में क्या फर्क होता है। देखिए कहीं पर अगर एलन ए लिखा है तो इसका मतलब है वो लॉग है, और उसका बेस जो है वो कितना है, ई है, और यहाँ पे ए है। अगर कहीं पर सिंपली ए लिख दिया जाए, मतलब कुछ भी नहीं लिखा जाए, तो इसका मतलब उस लॉग का बेस कितना है, 10, और यहाँ क्या है, बोलो ए है। और एल एन ए और जो लॉग ए होता है, मतलब एल एन ए और जो लॉग ए होता है उसमें रिलेशन होता है एल एन ए इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए, क्लियर है, ठीक है। अब सुनिए आगे, आप में से जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि एल एन को कैसे हटाते हैं, तो आपको बताऊं कि एल एन को हटाने के लिए दोनों तरफ एंटी लॉग लेते हैं। अब आपको यहाँ पे एल एन हटाना है, तो एल एन का बेस कितना, एल एन एल एन में बताओ बेस कितना होता है, एल एन में बेस कितना होता है, बोलो ई होता है। तो आपको इसको लॉग को हटाना है, तो कुछ नहीं करना, आप यहां से लॉग को हटा दो, और क्या लिखना आपको यहां पर, ए नॉट अपॉन ए टी, लॉग हट गया। अब लॉग इधर हटा है तो यहां इधर तो कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, तो बताइए इस एल एन का बेस क्या होता है, इस एल एन का बेस ई होता है, तो यहां जो भी लिखा हुआ है उसको चढ़ा दो ई की पावर में, तो ये बन जाएगा एल एन को हटते इधर कितना बन जाएगा, ई रेस टू पावर के टी, क्लियर है। अब यहां से क्या इक्वेशन बनाएंगे वो समझिए, इससे मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो ये आप a एट टाइम t देख रहे हैं इसको तो ले जाओ आप इस तरफ, और इसको आप ले आओ इस तरफ, तो कितना बनेगा ए टी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा a नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस के टी, माइनस के टी इसलिए आया क्योंकि यहां पर जब आप इसको इधर से इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में आएगा, डिवाइड से जब आप ऊपर लाओगे तो यहां पर पावर कैसे हो जाएगी इसकी, माइनस। तो आप जो देख रहे हैं ये वाली इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन आप देख रहे हैं, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस के टी, यही वो इक्वेशन होता है जिसको अपने अलग नाम से जाना जाता है, और इसका नाम होता है विल हेलमीज इक्वेशन। इसको किस नाम जानते हैं, बोलो विल हेलमीज इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन जो आपकी ई की फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है यहां पर, और ये दोनों इक्वेशंस जो लॉग की फॉर्म में है, एलन की फॉर्म में है, तीनों एक ही बात है, बस इन तीनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है, क्लियर है। तो उम्मीद है आपको यहां तक ये समझ में आया होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ कैसे लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे लिखते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए इंटीग्रेटेड
रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं। क्लियर है सबको यहां तक? चलिए अब हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कर्व होते हैं, वो सारे के सारे कौन कौन से ग्राफ यहाँ पर बन सकते हैं उनकी बात हम अभी करने वाले। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ बनाना सीख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर कि कौन कौन से ग्राफ आपसे पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ होते हैं, मतलब जिन ग्राफ को देख के आप पहचान सकते हो कि हाँ ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर कितना 1 है इसका। और वो जो पहला ग्राफ है वो हम बात करने वाले हैं रेट वर्सेज कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, तो आपने अभी भी देखा कि R इज इक्वल टू कितना था, बोलो के इंटू ए था। यहाँ पर रिएक्शन अपनी ये वाली मान रहा हूं, रिएक्शन मान रहा हूं कि ए से क्या बन रहा है, बोलो बी बन रहा है। तो R इज इक्वल टू कितना था, बोलो के इंटू ए। इसमें जो आपको एक ग्राफ बनाना है आर का ए के साथ, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर अपना वाई कौन है, y अपना r है, x कौन है कंसेंट्रेशन ऑफ a, तो ग्राफ बन जाएगा y is equal to m into x। और ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो कहां से पास होती है, ओरिजिन से। कहां से गुजरती है, बोलो ओरिजिन से। तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, दिस इज r, दिस इज कंसेंट्रेशन ऑफ a, और दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो जैसे जैसे a की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी वैसे रेट भी इंक्रीज होगी। ये था पहला ग्राफ R का किसके साथ, A की कंसेंट्रेशन के साथ। क्लियर है? चलिए बात करते हैं सेकंड ग्राफ की। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं इसी में ग्राफ नंबर 2 की, और अगला ग्राफ होता है रेट वर्सेज टाइम का कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट टाइम के साथ साथ कैसे चेंज होती है, ये आप समझिए। देखिए रेट और टाइम का ग्राफ जानने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रेट और टाइम में रिलेशन क्या होता है। तो मैंने आपको अभी भी बताया कि रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये जो रिलेशन है इस रिलेशन में तो आप ये जान रहे हैं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, लेकिन क्या इस रिएक्शन के दौरान, क्या ए से बी बनने के दौरान ए की जो कंसेंट्रेशन है वो डिक्रीज होती है क्या? बिल्कुल होती है। और ए की कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला यहाँ पर होता है के इंटू ए की कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है ए नोट इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस के इंटू टी। अरे याद करो विलहेल्म इक्वेशन, अभी तो बताई थी मैंने कि ए टी जी को टाइम टी इक्वल टू क्या होता है, ए नोट इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस के इंटू टी। क्लियर है यहां तक? इसमें k आपका कांस्टेंट है, a नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन है वो आपकी कांस्टेंट है, और इन दोनों को मैं कंबाइनली ऐसे कह सकता हूं कि r इज इक्वल टू r नॉट इनटू e रेस टू पावर माइनस k इनटू t। ठीक है, एक बार इसको मैं इक्वेशन नंबर यहां पे 1 बोल रहा हूं। ठीक है, अभी इसको मैंने r नॉट क्यों लिखा वो सुनिए। एक बात बताइए कि जब टाइम 0 था तो बताइए t बराबर 0 पर ए की जो कंसेंट्रेशन थी क्या वो कंसेंट्रेशन ए नोट थी क्या? बिल्कुल थी। तो इस टाइम पर जो रेट होगी क्या हम उसको आर नोट नहीं कह सकता? आर नोट का मतलब टी इज इक्वल टू जीरो पर रेट, इस रिएक्शन की इनिशियल रेट। इसको हम क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन की इनिशियल रेट। तो इस टाइम पर जो आर नोट है वो बन जाएगा के इंटू ए की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, ए नोट। तो इसीलिए मैंने यहां पर इसको क्या बोल दिया, आर नोट बोल दिया। ठीक है, अब सुनिए आपको बताओ ग्राफ किसके बीच में बनाना है, आपको ग्राफ यहां पर बनाना है किसके बीच में, ग्राफ बनाना है रेट और टाइम के बीच में। ठीक है, आप देख रहे हैं किस इक्वेशन से जो ग्राफ है, ये ग्राफ बनने वाला है एक्सपोनेंशियल डिके का। किसका बनेगा, एक्सपोनेंशियल डिके, और वो ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से आर वर्सेज टी। आप बताइए जब t इज इक्वल टू जीरो था, जब टाइम जीरो था तब इस रिएक्शन की रेट कितनी थी, r नॉट। अरे t इज इक्वल टू जीरो पर इसकी रेट इनिशियल रेट होगी ना, वो कितनी होगी, r नॉट। क्या इसके बाद इस रिएक्शन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इक्वेशन क्या है, r इज इक्वल टू r नॉट इंटू e रेस टू पावर माइनस k इंटू t, क्या इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसकी रेट जो है वो टाइम के साथ साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी क्या? बिल्कुल होगी। इसका ग्राफ बन जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये जो डिक्रीमेंट आ रहा है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिके। क्लियर है? एक बात, नेक्स्ट पॉइंट, आपसे कोई पूछे कि वो टाइम बताओ जिस टाइम पर इस रिएक्शन की जो रेट है वो रेट जीरो हो जाएगी,
तो जब आप इस इक्वेशन में, जो आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है, जब आप इसमें आर की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग टाइम कितना आएगा? इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट है, वो रेट जीरो कब होती है? वो होती है इन्फिनिटी पर। वो इनफाइनाइट टाइम बाद जाके कितनी होती है? जीरो होती है। तो दोस्तों ये था दूसरा ग्राफ रेट वर्सेज टाइम का, क्लियर है? तीसरा, थर्ड ग्राफ। और तीसरा जो ग्राफ है वो ग्राफ है कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी वर्सेज टी के बीच में, मतलब ए की कंसेंट्रेशन का टाइम के साथ ग्राफ हमें बताना है। तो आप इसके लिए इक्वेशन देख रहे हैं, इक्वेशन क्या है? ए टी इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस के इंटू टी। तो वही जब आप ए टी का ग्राफ बनाएंगे टाइम के साथ, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ बनेगा ये भी कौन सा बनेगा? एक्सपोनेंशियल डिके वाला बनेगा, कुछ इस तरीके से। यहां मान लेते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, ये टाइम टी, जब टाइम जीरो था तब ए की कंसेंट्रेशन भी कितनी थी बोलो? जीरो थी। और टाइम टी पर जब टाइम, जैसे जैसे टाइम आगे जाने लगा तो टाइम के साथ साथ ये क्या होगी? डिक्रीज होगी। और ये ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, एक्सपोनेंशियल डिके। वही सेम बात, देखिए जब टाइम जीरो था तब ए की कंसेंट्रेशन यहाँ पर कितनी थी? ए नोट थी, मैक्सिमम कंसेंट्रेशन थी ए की। फिर टाइम के साथ साथ धीरे धीरे क्या होगी? डिक्रीज होगी। आपसे मैं पूछूं कि वो टाइम बताइए जब ए टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो देखिए आप देख रहे हैं कि जो ए की वैल्यू हो जीरो कब होगी? इनफाइनाइट पर होगी, मतलब टी इज इक्वल टू इनफिनिटी पर ए की कंसेंट्रेशन जीरो हो जाएगी। और वो टाइम आपको मैंने पहले भी बताया था, याद रखना, वो टाइम जिस पर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन जीरो हो जाए, ऐसे टाइम को हम बोलते हैं लाइफ टाइम ऑफ ए रिएक्शन, क्लियर है? तो इसका लाइफ टाइम कितना होता है? इनफिनिटी होता है। इसीलिए कहते हैं, सुनना ध्यान से, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसीलिए कॉपी में एक लाइन नोट कर लेना, और वो लाइन ये है कि थ्योरेटिकली इनफाइनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम चाहिए? इनफाइनाइट टाइम चाहिए। और वो आप देख सकते हैं इस ग्राफ से कि जो ए की कंसेंट्रेशन है वो कंसेंट्रेशन इनफाइनाइट टाइम बाद जाके जीरो को अप्रोच कर रही है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, अगला ग्राफ समझिए, नेक्स्ट ग्राफ हम बनाने वाले हैं। और जो नेक्स्ट ग्राफ यहां पर हम बनाने वाले हैं वो कुछ अलग है, और उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, और वो होता है ln a वर्सेज टाइम t, या फिर आप इसको log a वर्सेज टाइम t भी बोल सकते हो। इसका भी ग्राफ आपसे पूछ सकता है। तो वही फिर से सेम बात, एक बात बताइए, अगर आपको ln a o का ग्राफ बनाना है टाइम t के साथ, तो पहले हमें इन दोनों में रिलेशन पता होना चाहिए। तो मैंने आपको एक इक्वेशन ये लिखवाई थी कि ln a नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू होता है k इंटू टी। तो यहां से मैंने आपको ये कहा था कि ln m अपॉन n क्या होता है? ln m माइनस ln n। तो इसको सोल्व करके मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ln a t इज इक्वल टू ln a नॉट माइनस k इंटू टी, ठीक है? इसको एक बार इक्वेशन वन बोल देते हैं यहाँ पर, ठीक है? यहाँ जो ये आप देख रहे हैं इसमें ln a t कैसे लिखा, मैंने थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यहाँ पर। इसको आप ऐसे कह सकते हो ln a नॉट माइनस ln a एट टाइम t, क्योंकि log m अपॉन n को आप कह सकते हो log m माइनस log n इज इक्वल टू k इंटू t। अब आपको क्या करना है कि इसको जो है ln a t वाले टर्म है इसको राइट हैंड साइड में ले जाइए, इसको लेफ्ट में ले जाइए, फिर आप इसको उल्टा करके लिख दो। तो ये जो रिलेशन आ गया ये आ जाएगा ln a एट टाइम t और टाइम के बीच में। अगर आप इसी को कन्वर्ट करना चाहते हैं लॉग में, तो चलिए कन्वर्ट करते हैं इसको लॉग में। तो यहां पर आएगा 2.303 log a एट टाइम t इज इक्वल टू 2.303 log a नॉट माइनस k इंटू t। और यहां से जो log a t है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? log a नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर टू। अब आपको दो ग्राफ यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, पहला ln a एट टाइम t और टाइम के बीच में, और दूसरा इसी के जैसा ग्राफ log a t और टाइम के बीच में। देखिए दोनों ग्राफ की जो अपीयरेंस है, जो दोनों ग्राफ का लुक है वो बिल्कुल सेम होता है। और वो कैसा होता है पहले तो आप ये जानिए। अगर इसको मैं y बोल दूं तो आप जानते हैं कि x है, x का जो मल्टीप्लाई में कोफिशियंट होता है वो क्या होता है? m होता है, प्लस ln a to a नॉट हमेशा क्या रहेगा बोलो? कांस्टेंट, क्योंकि a नॉट यहाँ पे कांस्टेंट है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? c। और जो आप ये इक्वेशन दिखाई दे देख रहे जो आप ये इक्वेशन यहाँ पे देख रहे हैं
ये होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की, और जो होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जिसका इंटरसेप्ट कितना c, c का मतलब कितना ln a नॉट है और उसकी स्लोप कितनी है माइनस k। तो ये ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। यहां मैं लिख रहा हूं ln a एट टाइम t और यहां टाइम t। इसकी जो इक्वेशन है वो थी ln a t इज इक्वल टू ln a नॉट माइनस k इंटू t, इसका इंटरसेप्ट कितना था ln a नॉट, मतलब यहां तक जो इंटरसेप्ट है ओरिजिन से लेकर यहां तक इसकी वैल्यू कितनी है ln a नॉट है और स्लोप नेगेटिव है, इसलिए ग्राफ बन जाएगा ऐसा, इसलिए इसका ग्राफ बन जाएगा ये वाला, ठीक है। और इसकी जो स्लोप यहां से आएगी वो स्लोप आ जाएगी माइनस के, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अगर मान लो यहां पर ln 80 की जगह log होता, log 80 होता तो कोई फर्क नहीं आता, यहां पर स्लोप हो जाती माइनस के अपॉन 2.303। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना कि यहां ln है या लोग है, क्योंकि उस केस में स्लोप चेंज हो जाएगी लेकिन ग्राफ के लुक में कोई फर्क नहीं आएगा। ये था दूसरा ग्राफ, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अगला ग्राफ, तो वो है अगर मान लो अपने पास रिएक्शन है जिसमें ए से कन्वर्ट हो रहा है बी और इसका रेट कॉन्स्टेंट मान लो के सेकंड इनवर्स है, और आपसे ग्राफ पूछ रहा है कि बी की कंसेंट्रेशन का टाइम टी के साथ, ये वाला ग्राफ आपसे पूछ रहा है। चलिए पहले मैं आपको सिखाता हूं कि B की कंसेंट्रेशन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर ये मान लो आपका A नॉट है, इसको A नॉट कह लो, ये जीरो है शुरू में, टाइम T पर ये A नॉट में से X डिसोसिएट होगा, कितना बन जाएगा X, ठीक है। अब आपको अगर मैं इसे पूछूं कि B की कितनी कंसेंट्रेशन है, तो आप कहेंगे कि सर B की जो कंसेंट्रेशन है वो कितनी है X। एक बात बताओ, क्या मैं X को ऐसे नहीं लिख सकता कि A की कंसेंट्रेशन T टाइम पर, सॉरी A की कंसेंट्रेशन इनिशियली माइनस A की कंसेंट्रेशन T टाइम पर। अरे भाई x जो वो क्या है, x a कितना डिसोसिएट हुआ है, a कितना टूट के b में कन्वर्ट हुआ, वही तो है ना। तो a की इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी है a नॉट, और ये टाइम t टाइम पर कितना है t। आप वैल्यू जानते हैं a t की क्या होती है, ये होती है a नॉट इंटू e रेस्ट टू पावर माइनस k इंटू t। इसको सोल्व करने पर आ जाएगा a नॉट माइनस a नॉट कॉमन कितना आएगा यहाँ पर 1 माइनस e रेस्ट टू पावर माइनस k इंटू t, और ये फॉर्मूला बन जाएगा b की कंसेंट्रेशन का टाइम T के साथ, ठीक है। अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो आप यहां पर एक चीज नोटिस करना, अगर मैं इस ग्राफ में T इज इक्वल टू जीरो पुट करता हूं तो देखिए A की पावर जीरो होगी, और A की पावर जीरो भी कितना होता है 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा जीरो, और आना भी चाहिए जीरो क्योंकि जब टाइम जीरो था तब B बिल्कुल भी नहीं बना था। दूसरी बात, जब रिएक्शन खत्म होती है तो आप ही बताओ रिएक्शन कंप्लीट कब होती है फर्स्ट ऑर्डर, अरे अभी तो देखा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन्फिनिटी पे खत्म होती है। जब मैं टाइम इन्फिनिटी पुट करूंगा तब जो बी की कंसेंट्रेशन है वो कितनी आएगी, उसके लिए सुनिए। जब आप टाइम पुट करेंगे इन्फिनिटी तो ये बनेगा ए की पावर माइनस इन्फिनिटी, ए की पावर माइनस इन्फिनिटी को मैं कह सकता हूँ 1 अपॉन ए की पावर इन्फिनिटी, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ए नॉट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ए की पावर इन्फिनिटी, और ये कितना हो जाएगा जीरो। तो मतलब जब रिएक्शन खत्म होगी तो बी एट एन टी कितना बन चुका होगा, ए नॉट बन चुका होगा। आप देख रहे हैं कि यहां पर टाइम इंक्रीज होने के साथ साथ बी की कंसेंट्रेशन भी इंक्रीज हो रही है, और वो कैसे इंक्रीज हो रही है, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है, ये बात आप इस ग्राफ से देख सकते हैं। अरे ऐसा मत करना कि देखो सर यहां तो ना माइनस साइन आ रहा है, और ए की पावर माइनस जब भी होता है तब वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, बिल्कुल यहां पर नेगेटिव साइन आ रहा है लेकिन ये वन के साथ माइनस हो रहा है यहां पर, तो वन में से माइनस होने की वजह से जितनी इसकी वैल्यू कम होगी, ध्यान से सुनना ये वाली बात, सुनना काम की बात है, जितनी इस टर्म की वैल्यू कम होगी उतना ही इस ओवरऑल इसकी कंसेंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। ये अपनी बी वाली एक्सिस, ये है अपनी टाइम वाली एक्सिस, ये कंसेंट्रेशन ऑफ बी, ये टाइम टी। T इज इक्वल टू जीरो पर B की कंसेंट्रेशन जीरो, B की मैक्सिमम कंसेंट्रेशन कितनी हो सकती है, वो हो सकती है A नॉट के बराबर। तो ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से। आपसे कोई पूछे कि भाई B की कंसेंट्रेशन A नॉट के इक्वल कब होगी, तो वो होगी जब रिएक्शन खत्म होगी, रिएक्शन खत्म कब होगी इन्फिनिटी पर। तो ये ग्राफ था कंसेंट्रेशन ऑफ B का टाइम के साथ। तो अब तक हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ए की कंसेंट्रेशन का ग्राफ पढ़ लिया, बी की कंसेंट्रेशन का ग्राफ पढ़ लिया, रेट का ग्राफ कंसेंट्रेशन के साथ पढ़ चुके हैं और रेट का ग्राफ टाइम के साथ पढ़ चुके हैं,
और ए में भी जो एल एन ए का ग्राफ है वो हम टाइम के साथ पढ़ चुके हैं कि सारे के सारे ग्राफ हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए कवर कर चुके हैं। चलिए अब एक बात आप मुझे बताइए। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताना कि मैंने आपको अभी भी ये सिखाया कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होती, या फिर उनको कंप्लीट होने में टाइम कितना लगता है बोलो? इनफाइनाइट टाइम बाद वो रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। तो यहां पर एक सवाल ये बनता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी रिएक्शन का कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है, कोई रिएक्टेंट कितना परसेंट टूट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, ऐसे कुछ सवाल पूछते हैं। तो उन्हीं सवालों के लिए मैं एक टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो ये जो मैं यहां पर टर्म यूज कर रहा हूं परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये आपने वैसे तो खूब पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, लेकिन काइनेटिक्स में ज्यादातर हम इसकी बात मतलब डायरेक्टली नहीं करते, लेकिन फिर भी ये टॉपिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हिसाब से बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये रिएक्शन कभी कंप्लीट तो होती नहीं है, लाखों साल पड़ी रहती हैं, कई कई बहुत बहुत लंबे लंबे टाइम तक ये पड़ी रहती हैं। तो ऐसे में जानना जरूरी है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हुई होंगी। तो चलिए पहले मैं आपको इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब समझा रहा हूं, फिर हम इस पर अप्लाई करेंगे काइनेटिक्स। बिल्कुल बेसिक से चलने वाले हैं, पहले हम क्या सीखेंगे बोलो? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से क्या मतलब है, फिर हम इस पे अप्लाई करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी जो रिएक्शन थी वो ये वाली थी, ए से बी बन रहा था, टी इज इक्वल टू जीरो पर ए नॉट था, ये एक्स था, सॉरी इनिशियली ये जीरो था, टी इज इक्वल टू जीरो पर, और टाइम टी पर ये ए नॉट में से कितना डिसोसिएट हुआ एक्स, और ये कितना बन गया एक्स। तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए है, मान लो मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं अल्फा से, वो होता है अमाउंट ऑफ ए डिसोसिएट, अमाउंट ऑफ ए डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल अमाउंट। ये क्या होता है बोलो? अमाउंट ऑफ ए डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल अमाउंट। तो आप बताइए कि इसकी कितनी अमाउंट डिसोसिएट हुई है, एक्स, एक्स हो गई। इनिशियल कितनी अमाउंट थी उसकी, ए नॉट। तो बताइए अल्फा कितना जाएगा यहां से, एक्स अपॉन ए नॉट। क्लियर है? अगर आपसे बात करें ये कि मुझे तो बता कि परसेंटेज अल्फा कितना है, तो बोल देंगे एक्स अपॉन ए नॉट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बोलो? 100 से, वो आ जाएगा परसेंटेज अल्फा। ठीक है, अब आपने अभी अभी पढ़ा था कि इस रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो होती है के टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। क्या मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकता हूं कि 1 अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन ए नॉट? कैसे लिखा? तो मैंने इसको जो न्यूमरेटर है उसको भी पूरे को ए नॉट से डिवाइड कर दिया, और मैंने इसके डिनोमिनेटर को भी पूरे को ए नॉट से डिवाइड कर दिया, तो ये इससे कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, ये बन जाएगा। ध्यान से देखो, क्या एक्स अपॉन ए नॉट ही अल्फा होता है क्या? यस। इसका मतलब मैं इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूं, अल्फा, तो ये बन जाएगा एल एन 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है यहां से, अल्फा की। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि के टी इज इक्वल टू, एक काम करते हैं आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि एल एन 1 माइनस अल्फा की पावर माइनस 1। अरे भाई इसको ऊपर ले जाओ, और ये जो माइनस वन है ये आप जानते हैं कि लॉग के यहाँ पे आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, एल एन 1 माइनस x 1 माइनस अल्फा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एल एन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी। और थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको लॉग को हटाने का तरीका बताया था कि यहां से आप सिंपली लॉग हटा दो, और इसका लॉग का बेस कितना होता है बोलो? ई होता है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस के इंटू टी। तो अल्फा आएगा यहां से 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस के इंटू टी। आपसे पूछे कि परसेंटेज अल्फा बता, तो ले बता देंगे 1 माइनस माइनस के टी इंटू कितना बन जाएगा यहां पर, 100। तो ये जो इक्वेशन है इसमें ये इक्वेशन तो आपको ये बता रही है कि वो कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है, वो तो आपको बता रही है नीचे वाली इक्वेशन, और उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो कितना होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको कौन बता रहा है, अल्फा। ठीक है, और आप यहां से देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, एक से कम ही होगी,
और एक कब होगी, अल्फा की वैल्यू एक कब होगी, वो एक होगी कब बोलो, इन्फिनिटी पर, जब रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, अदरवाइज का अल्फा में से एक से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये बात थी परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, समझ में आई। अब जो इक्वेशन आपके सामने है, एक बात बताओ कि आपको अगर मुझे अल्फा जानना हो, अगर आपसे मुझे अल्फा निकलवाना हो, तो बताओ मुझे सिर्फ क्या बताना पड़ेगा आपको, मतलब किसी टाइम पर आपसे अगर मुझे अल्फा की वैल्यू पूछनी हो, तो मुझे ये देख के बताइए कि मुझे कौन कौन सी वेरिएबल्स की वैल्यू आपको बतानी होगी, जिससे आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको तो बहुत सिंपल है, आप तो हमें सिर्फ और सिर्फ टाइम बता दो और के की वैल्यू बता दो, अल्फा तो हम बता देंगे। तो मेरा अगला सवाल, क्या अल्फा की वैल्यू आपसे मैं पूछूं, इसके लिए मुझे आपको इनिशियल कंसेंट्रेशन बतानी होगी क्या? तो आपने फटाफट फॉर्मूला देखा कि नहीं सर, यहाँ कंसेंट्रेशन नहीं चाहिए, यहाँ भी नहीं चाहिए, यहाँ भी नहीं चाहिए, मतलब इसका अल्फा जानने के लिए मुझे तो इनिशियल कंसेंट्रेशन चाहिए ही नहीं। और यही तो वो रिएक्शंस हैं जिसको जाना जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कितना परसेंट उठ रहा है, ये अल्फा कितना परसेंट है, इसको उसकी इनिशियल अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आप देख रहे हैं, मान लो मेरा सवाल ये है कि बताओ अल्फा 60% कब होगा, अल्फा 60% कौन से टाइम पे होगा, तो टाइम निकालने के लिए क्या आपको इनिशियल कंसेंट्रेशन से ये क्या नहीं, इसका मतलब यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन से इनडिपेंडेंट है। इसीलिए एक लाइन लिखवा रहा हूं, नोट कर लेना और अच्छे से समझ लेना, काम आएगी आपके। और वो ये है कि एनी फ्रैक्शनल कन्वर्जन का मतलब होता है कि कोई उसकी उसकी स्मॉल अमाउंट, कोई उसकी एक फ्रैक्शन कन्वर्ट, अरे भाई अल्फा ये फ्रैक्शन ही तो होती है ना, अल्फा की वैल्यू एक से कम होती है, फ्रैक्शन ही होती है, अल्फा आप लिखते हो ना एक्स अपॉन ए नॉट, तो आप ऐसे कह सकते हो कि इनिशियल की कितनी फ्रैक्शन जो है वही अल्फा होता है। तो एनी फ्रैक्शनल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ऐसा किसके लिए होता है, केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। तो ये बात थी परसेंटेज अल्फा के बारे में, क्लियर है? ठीक है, तो दोस्तों ये सारी की सारी बातें थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में, उसकी इनिशियल रेट लो, उसकी उसके लिए ये डिफरेंशियल रेट लो क्या होता है, उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है। अब मैं आपको वही सारी चीजें एक डिफरेंट टाइप की फर्स्ट ऑर्डर पे अप्लाई करना आपको सिखा रहा हूं। और वो ये है कि मान लो रिएक्शन आपको ऐसे दे दी जाए कि ए ए से इस बार प्रोडक्ट बन रहा है, और ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपको बोल दिया गया, जिसका रेट कॉन्स्टेंट आपको कितना दे दिया है, के दे दिया है। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जो हमने पहले पढ़ा और जो हम ये पढ़ रहे हैं, इसमें सिर्फ ये फर्क है कि यहाँ पर इसमें साथ में ए और आ गया, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कौन आ गया, ए। तो एक बात बताना कि पहले रेट का एक्सप्रेशन क्या था, के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए। तो यहां पर चाहे ए का कोएफिशिएंट कोई भी हो, अगर ये ऑर्डर फर्स्ट अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसके रेट एक्सप्रेशन पे, इसके एक्सपेरिमेंटल रेट लो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है? अब मैंने आपको बताया था इसकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन डीएक्स बाई डीटी के बारे में, तो वो इक्वेशन पहले कुछ ऐसे आ रही थी के इंटू ए नॉट माइनस एक्स, लेकिन जब यहां पर ए आ गया है तो आप पूरा डेरिवेशन करके देख लेना, जैसे जैसे मैंने आपको बताया इस के साथ में कौन आ जाएगा, यहाँ पर ए और आ जाएगा साथ में, समझ में आ गया क्या? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तीसरी बात सुनिए, अगर मान लीजिए कि बात करूं मैं यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की, तो इक्वेशन पहले क्या हुआ करती थी, के टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट अपॉन ए एट टाइम टी होती थी, और अब अगर यहां पर कोफिशियंट ए आ गया है, अब अगर उस रिएक्टेंट का कोफिशियंट ए आ चुका है, तो यहां पर सिर्फ इतना सा फर्क आएगा कि यहां पर के साथ में कौन आ जाएगा, ए, बाकी किसी में कोई फर्क नहीं आएगा, क्लियर है? ऐसे अल्फा में हो जाएगा, अल्फा का फॉर्मूला क्या निकाला था हमने, 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस के इंटू टी था, तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस ए के टी हो जाएगा, ये चेंजेस आएंगे। तो देखो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है कि जब किसी रिएक्शन को किसी कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करते हैं, रिएक्टेंट को कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसकी कौन कौन सी वैल्यू चेंज होती है और कौन सी चेंज नहीं होती है, क्लियर है? इस बात का जरूर ध्यान रखें। और ये सब अगर आप चाहते हो, अगर आप ये सब आप डिराइव करना चाहते हो, तो जो जो मैंने आपको मेथड्स बताए हैं उनसे आप डिराइव करके देख सकते हैं,
ये चेंजेस इनमें आएंगे। क्लियर है सबको यहां तक? ठीक है, तो ये सारी बातें थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स, कि इतनी सी इंफॉर्मेशन पे फर्स्ट ऑर्डर में आपसे कौन कौन से टाइप के न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो ये सब सारे के सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स की। तो जिसमें पहले टाइप का, जो सबसे बेसिक और जो सबसे आसान टाइप का जो न्यूमेरिकल बनता है, वो बनता है इस फॉर्मूले पे, R इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए, जिसमें आपको इनमें से ए बता देगा, के बोल देगा, आर पूछ लेगा, मतलब तीनों में से कोई दो चीज देके आपसे तीसरा पूछ सकता है। सबसे बेसिक से न्यूमेरिकल इसी पे बनते हैं। दूसरा जो टाइप ये बनता है कि कई बार आपसे वो ये पूछ लेता है कि एट टाइम टी व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, टाइम टी पर रिएक्शन की रेट क्या है, और आपको रिएक्शन का ऑर्डर पता चल चुका है कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। तो देखो इसको करने के दो तरीके हैं, दो तरीके कौन कौन से हैं। अगर मान लो आपको उस सवाल में ये पता है कि ए की वैल्यू कितनी है टाइम टी पर, उस टाइम टी पर ए की कंसेंट्रेशन कितनी है, तब तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे और आंसर निकाल लेंगे। हाँ ऑब्वियसली कि आपको बताया हुआ इसमें ना, लेकिन अगर आपको उसमें ये ही नहीं बता रखा कि टाइम टी पर ए की कितनी कंसेंट्रेशन है और उसकी जगह आपको इनिशियल कंसेंट्रेशन दी हुई है, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, R इज इक्वल टू के इंटू ए नोट इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस के इंटू टी। देखो ये कितना आसान सा सवाल है, आपसे टाइम टी पर रिएक्शन की रेट पूछ रहा है। एक बार हो सकता है कि टाइम टी पर आपको एक ही कंसेंट्रेशन बता दे, एक बार आपको टाइम टी पर एक ही कंसेंट्रेशन नहीं बताकर आपको इनिशियल कंसेंट्रेशन दे दे। अगर इनिशियल दे तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे, अगर टी टाइम पर बता दे तो डायरेक्टली हम ये वाला यूज कर सकते हैं। तो इसमें फालतू में घबराना नहीं है, सवाल देख के बहुत आसान सवाल होता है टी टाइम पर रिएक्शन की रेट कैलकुलेट करना। अब यहां पर एक चीज है, वो ये है कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि सवाल में रेट कॉन्स्टेंट के तो आपको दिया हुआ होगा ही होगा, मतलब यहाँ पर जो k है रेट कॉन्स्टेंट वो दे रखा है। लेकिन मान लो कुछ सवाल ऐसे हैं जिनमें आपको रेट कॉन्स्टेंट k ही नहीं बता रखा, और आप सोच के देखो जरा, आपको रेट कॉन्स्टेंट k नहीं बताए, k रेट कॉन्स्टेंट k की वैल्यू आपको दे ही नहीं, तो क्या आप इस फॉर्मूले से या इससे रेट बता सकते हैं? क्या नहीं बता सकते आप, इन दोनों फॉर्मूले से रेट नहीं बता सकते। तो तीसरे टाइप का जो न्यूमेरिकल, और ऐसे कहूँ कि काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर में तो सारे न्यूमेरिकल वैसे ही बनते हैं, लगभग उसी तरीके से बनते हैं। तो थर्ड टाइप का जो न्यूमेरिकल है, तीसरे टाइप का, वो आता है के की वैल्यू कैलकुलेट करवाना, आपसे वो के की वैल्यू कैलकुलेट करवाएगा, और उसके कई तरीके हैं, उनमें से कुछ तरीके मैं आपको बता रहा हूं, एक एक करके समझते हैं। वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट के, ये समझिए, पहला के की वैल्यू कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका ये है कि k इज इक्वल टू फॉर्मूला आप जानते हो, 1 अपॉन टी एल एन ए नोट अपॉन ए एट टाइम टी। यहां पर आपको किसी टाइम पर आपको इनिशियल कंसेंट्रेशन दे दे सवाल में, टाइम टी पर कंसेंट्रेशन आपको दे दे, और वो टाइम बता दे जिस पर आपको ये सब दे रहा, तो आप यहां से k की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड ये है कि आपको वो तो अल्फा बता दे कि फलाने टाइम पर उस रिएक्शन का अल्फा इतना है, तो फॉर्मूला आप जानते हो अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस ई माइनस के इंटू टी। तो के आपको निकालना है, यहां पर अल्फा दे रखा है और टाइम दे रखा है, यहां से भी आप के की वैल्यू पता लगा सकते हैं। क्लियर है? तीसरा तरीका, कई बार सवालों में क्या होता है कि जो आपका थर्ड मेथड है उसमें टाइम टी वन पर आपको दे देगा कि रिएक्टेंट ए की कंसेंट्रेशन ए वन है, टाइम टी टू पर उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो ए टू है, और इनसे आपको पता लगाना पड़ जाता है किसकी वैल्यू, के की वैल्यू आपको पता लगानी होती है। तो ये हम समझते हैं। तो ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए हम चलेंगे अपनी बेसिक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के पास। वो क्या होती है, के टी इज इक्वल टू एल एन कंसेंट्रेशन ऑफ ए इनिशियली एंड कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। देखो टी वन टाइम पर इस इक्वेशन क्या बन जाएगी, के टी वन इज इक्वल टू एल एन ए नोट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ए वन, क्योंकि हमें दे रखी है टी वन पे कितनी दे रखी है कंसेंट्रेशन, ए वन दे रखी है। और टी टू टाइम पर यही क्या बन जाएगा, के टी टू इज इक्वल टू एल एन कंसेंट्रेशन ऑफ ए इनिशियली अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू। ठीक है, दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू।
तो यहां पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर टू में से इक्वेशन नंबर वन को माइनस कर रहे हैं। तो ऐसा जब आप करोगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर कौन है, के टी टू है, उसमें से क्या माइनस होगा, के टी वन। तो ये बन जाएगा के टी टू माइनस टी वन, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या होगा, यहां पर एल एन ए नोट अपॉन ए टू था पहले से, उसमें से माइनस क्या हो रहा है, एल एन ए नोट अपॉन ए वन। अरे इक्वेशन टू में से वन कर रहे हैं ना माइनस, तो लेफ्ट हैंड साइड में इसमें से ये माइनस हो गया, राइट हैंड साइड में इस टर्म में से ये वाली टर्म माइनस कर दी। अब ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये बन रहा है एल एन एम माइनस एल एन एन, जिसकी वैल्यू होती है एल एन एम बाई एन। तो यहां से एल एन, ये अपना एम है, कौन कौन, ए नोट अपॉन ए टू, इसको डिवाइड करना है किससे, ए नोट अपॉन ए वन से, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। और इसको सोल्व करने पर जो के की वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगा राइट हैंड साइड में कितना आएगा, वन अपॉन टी टू माइनस टी वन इन टू एल एन, यहां पर कितना होगा ए वन अपॉन ए टू। तो ये वो फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से जब आपको अलग अलग टाइम पर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन गिवन है तो आप उसे के की वैल्यू पता लगा सकते हैं। तो ये मैंने आपको सिखाए तीन तरीके, जिन तीन तरीकों से आप के की वैल्यू पता लगा सकते हैं, सिंपली आर इज इक्वल टू के से पता लगा सकते हैं, या फिर आप किसी परसेंटेज, अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है तो आप उससे पता लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं किससे, अलग अलग टाइम पर जब कंसेंट्रेशन दे रखी हो उससे, क्लियर है। और चौथा तरीका के की वैल्यू पता लगाने का, और वो तरीका होता है ग्राफिकल मेथड। कैसे, मान लो आपको R वर्सेज A का ग्राफ दे रखा है, तो आपको मैंने अभी भी बताया था उसकी स्लोप कितनी होती है K, तो इस ग्राफ की स्लोप क्या है, वही K। दूसरा मान लो आपको ग्राफ दे रखा है ln a वर्सेस t का, तो मैंने आपको अभी भी बताया कि इस ग्राफ की स्लोप क्या होती है, इस ग्राफ की स्लोप होती है k अपॉन 2.303, सॉरी यहां पर log होगा, तो ये स्लोप कितनी बन जाएगी, k अपॉन माइनस का 2.303। तो इससे भी हम k कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब किसी ग्राफ में कोई स्लोप दे दे, कोई इंटरसेप्ट दे दे, उससे भी आप k की वैल्यू पता लगा सकते हैं। तो ये टोटल तीन चार टाइप के न्यूमेरिकल इस पे बन सकते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, जिनके बारे में आप पता लगा सकते हैं। अब देखो मान लीजिए ऐसा आपको कह दे कि किसी की इनिशियल कंसेंट्रेशन ए नोट है और टाइम जो है वो टी है, रेट कांस्टेंट ये है, तो देखो आप टी टाइम पर उसकी कंसेंट्रेशन तो बता ही सकते हो, ये तो मतलब बहुत आसान सा सवाल हो गया ना, जब आपको सब कुछ दे दे तो हम एटी उसकी वैल्यू बता देंगे यहाँ पर, क्लियर है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, लेक्चर 6 जो एपिसोड 1 था, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर के बारे में हमने बेसिक बातें यहाँ पर सीखी थी। अभी तक फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी आगे आने वाले हैं। तो ये था अपना यूट्यूब चैनल पर पहला, आपके हिसाब से आपकी डिमांड पर कह लो, फेस वीडियो, कि सर फेस वीडियो बनाओ, क्योंकि आप जो स्क्रीन पर लिखते रहते हो ना बिना अपनी शक्ल दिखाए, इससे हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। तो आपके डिमांड पर मैंने पहला वीडियो बनाया, अगर आपको सच में पसंद आए तो इसको लाइक करें, और अगर आपको इसको पढ़ना सही लगा हो, इसको पढ़ने में आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ नई बातें अगर आपने सीखी हो, तो शेयर भी करें इसको, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एपिसोड 2। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।